प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू गज आर डूइंग सुपर ग्रेट मेरा हाल बेहाल है घर आते ही रात को क्रैश हो गए थे थोड़ा सा बिस्तर साफ किया और सो गए अभी हाल आप देख सकते हैं घर का कुछ इस तरह का है और तीन महीने बाद जब आप अपने घर को खोलेंगे तो सिचुएशन आपको कुछ इसी तरह की ही मिलेगी तो खैर काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि इतना लंबा स्टे क्यों था मेरा तो तीन महीने का ही था हस्बैंड का प्लान पहले था जिसे सिर्फ इन आउट करने का कि वो जाएंगे अपना वीज़ा चेंज करेंगे इन आउट करेंगे और दो हफ्ते तक वापस आ जाएंगे इसीलिए मैं उनके लिए घर को अच्छे से क्लीन करके गई थी उनके कपड़े रेडी करके गई थी उनके लिए खाने बनाकर फ्रीज तक करके गई थी लेकिन उन्होंने पाकिस्तान जाते ही पाकिस्तान की जैसे ही आप सरजमी पर पहुँचते हैं सर्दी में स्पेशली तो फिर आपकी नीयत ख़राब हो ही जाती है तो फिर उनका भी प्लान चेंज हो गया उसके बाद कुछ हम लोगों ने कुछ ऐसा शुरू कर लिया था कि वहाँ पे उनका होना ज़रूरी था फिर उनका जी दो हफ्ते से प्लान एक महीने का हुआ एक महीने से फिर दो महीने का हुआ और फिर हमने ये डिसाइड किया कि इकट्ठे जाएंगे जाने से पहले घर की थोड़ी थोड़ी खिड़कियाँ मैं ख़ुद खोल के गई थी कि हस्बैंड ने तो वापस आए जाना है और फिर क्लिनिंग खुद ही होती रहेगी पीछे से वो करवाते रहेंगे आ, तो मेरी कोशिश ये थी कि हल्की सी एयर पास होती रहे ताकि घर कई चीज़ें सही रहें फर्नीचर वगैरह सही रहे इसलिए मिट्टी थोड़ी हो गई अगर पहले से पता होता कि उनका प्लान चेंज हो जाएगा तो फिर मैं कुछ छोड़ करके जाती खैर जी स्टार्ट किया है मैंने बेडरूम से तो सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करेंगे छोटी छोटी चीज़ों को साफ करने की बहुत ज़रूरत होती है तो मैंने कहा अब घर को साफ़ करना ही है तो रमज़ान की ही क्लीनिंग करते हैं एक एक कोने को एक एक चीज़ को साफ़ करते हैं अच्छे करते है, से हर एक चीज़ को साफ़ करते हैं और अभी से रमज़ान की क्लिनिंग करके फ्री हो जाते हैं क्योंकि तो रमज़ान से पहले भी घर को अच्छे से सा साफ सुथरा करना तो हमने करना ही होता है तो मैंने कहा अभी से कर लेते हैं घर को क्लीन कर लेते हैं ताकि बाद में ये सारे काम ज ना करने पड़े तो चलें जब मैंने डीप क्लीनिंग शुरू कर दी है ड्रेसिंग टेबल को क्लीन किया है पहले मट्टी ऊपर से साफ़ की है अभी मैं ये वेट वाइप्स लेकर एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करूँगी और फिर जो उसके बाद इनको उनकी जगह पर रखेंगे फिर बेडरूम की दीवारें हैं खिड़कियाँ हैं एक एक कोना है उसको अच्छे से क्लिन करेंगे तो प्रॉपर क्लिनिंग जो है वो घर की हो गई है स्टार्ट अल्लाह का नाम लेते हैं शुरू कर देते हैं रमज़ान की क्लिनिंग भी हो जाएगी और साथ में जर्नल क्लिनिंग भी हो जाएगी और बाद में मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग टेबल क्लीन हो गई है बेड क्लीन कर लिया है मैंने खिड़की जो थी उसको बहुत अच्छे से मैंने क्लीन किया है अभी वॉल्स पे भी अच्छी खासी मट्टी की लेयर है तो मैंने वाइपर पर एक टी शर्ट डाला है और उसकी हेल्प से मैंने दीवारों को आ, क्लीन करना शुरू कर दिया है एक साइड से मैंने किया है दूसरी साइड से हस्बैंड कह रहे हैं और दीवारों को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है जब मैं आम दिनों में घर होती थी तो अक्सर मैं वैक्यूम से इसको कर लिया करती थी वंथ इन अ मंथ या दो महीने में एक बार लेकिन इस बार छुट्टी लंबी हो गई थी तो इसीलिए काम भी ज़्यादा हो गया है लेकिन यह कि अच्छा है कि रमज़ान से पहले सारी क्लीनिंग हो जाएगी घर नीट क्लीन हो जाएगा और रमज़ान से पहले तो यार सफाई करनी बनती ही बनती है तो अभी मैंने क्या किया है वॉल्स क्लीन कर ली हैं अभी मैंने वैक्यूम का एक एक्सटेंशन लगाया है जिसको आगे लगाने से जितने भी कॉर्नर्स हैं या जितने भी ऐसे जगह हैं जहाँ पर मिट्टी की लेयर जमी हुई है वो इससे बड़े अच्छे से निकल आएगी चाहे वो खिड़कियाँ हैं या वो कोने हैं दीवारों के साइड्स हैं अलमारी की साइड्स हैं यहाँ से वो सारी डस्ट अंदर अपने सक्शन से ले जाता है और बड़े अच्छे से कोने और जो इस तरह की बारीक बारीक चीज़ें होती हैं बड़ी अच्छे से क्लीन हो जाती हैं तो इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ मैं तुझे मिलकर हम दोनों ने इतनी लंबी छुट्टी गुजारी पाकिस्तान में अब मिलकर ही घर का काम भी कर रहे हैं और हस्बैंड पूरी पूरी साथ में हेल्प करवा रहे हैं और उन्होंने सारी वॉल्स उन्होंने क्लीन की हैं डस्टिंग में उन्होंने हेल्प की है मैंने बेडरूम किया था उन्होंने बाहर लिविंग को बहुत अच्छे से क्लीन किया है विच इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग और अगर आप मिल बाट कर हस्बैंड वाइफ काम करें तो ट्रस्ट में कुछ भी मुश्किल नहीं लगता जब मैं रात को आई थी देख मुझे चक्कर आ रहे थे क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा थी तबीयत अजीब सी थी समझ नहीं आ रहा था कि कल कैसे होगा ये सब लेकिन जब आप शुरू कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी फिर ऐसा ऐसा सब कुछ हो जाता है तो अभी बेडरूम आप देख सकते हैं सारी मट्टी क्लीन हो चुकी है दो से तीन बार मैंने इसमें वैक्यूम किया है दो से तीन बार यस और हस्बैंड ने बाहर लिविंग को बहुत अच्छे से क्लीन किया है एक एक चीज को हमने अच्छे से क्लीन किया है लाइक एक एक डेकोरेशन आइटम हो गई या वॉल हैंगिंग्स हो गई या कुछ भी हो गया हर एक चीज को हमने बड़े अच्छे से क्लीन किया है काफी कुछ मैं ट नहीं कर पाई ऑब्वियसली जब आप इतना काम कर रहे होते हो तो फिर काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं लेकिन जिस तरह एक रमज़ान से पहले मैं हर साल क्लिनिंग करती हूँ उससे बल्कि इस दफ़ा मैंने ज़्यादा अच्छी की है क्योंकि गंद ज़्यादा था तो ऑब्वियसली फिर मेहनत भी ज़्यादा थी और डिटेल में डीप क्लीन हुआ है लाइक एक एक कोना एक एक आ, एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से साफ़ किया है अब जो सोफ़े इसका लेदर अगेन वही इसको हवा नहीं लगी तो वो अगेन ख़राब हो गया है तो जो पिछली दफ़ा किया था सेम उसी तरह इस समय मैं कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ कर लूँगी और इन्हीं सोफ़ों को ही हम लोग दोबारा से रिपेयर कर लेंगे सो जे बेडरूम और जो लिविंग रूम है दोनों बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं और मैंने गीले कपड़े के साथ भी सारे फ्लोर को बहुत अच्छे से क्लीन किया है टेबल्स वगैरह एक एक चीज़ अल्हमदिल्ला साफ़ हो गई है सुबह नौ बजे से उठ हम लोग ये काम कर रहे हैं और अभी दोपहर के साढ़े तीन हो चुके हैं और भूख लग चुकी है खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है तो हम लोगों ने बाहर से जो बिरयानी ऑर्डर की है क्योंकि इससे अच्छी ऑप्शन कोई नहीं हो सकती थी खाने के लिए तो बिरयानी आ चुकी है हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो थोड़ा सा फ़्रेश होकर आ जाएँ ताकि फिर हम आराम सुकून से बैठ कर खाना खा सकें सुबह हमने उठते ही मैंने एक कप ब्लैक कॉफ़ी ली थी हस्बैंड ने भी चाय पी थी और हम लोग काम पर लग गए थे और अभी हम लोग आराम सुकून से बैठ इस बिरयानी को इंजॉय करने वाले हैं सो सूजी अलहमदिल्ला खाना खा चुके हैं और घर भी काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है मतलब क्लीन हो चुका है ऑर्गेनाइज अभी होना है चीज़ें उनकी जगह पर जानी है लेकिन जो मट्टी थी धूल थी हर चीज़ मिट्टी में धूल में लतपत थी वो सही हो चुकी है सारी चीज़ें दीवारें वॉल हैंगिंग्स डेकोरेटिव आइटम्स जितनी भी चीज़ें थी वो सबको मैंने अच्छे से क्लीन किया है फ़र्श को बैठ कर मैंने बड़े सालों बाद पोछा लगाया है हर चीज़ को अच्छे से क्लीन किया है अब बकाया जो काम है ऑब्वियसली वो आहिस्ा सा आहिस्त होते रहेंगे चीज़ें अपनी जगह पर जाती रहेंगी ऑर्गेनाइज होती रहेंगी और ये सारे काम साथ साथ होते रहेंगे बेडरूम जो है वो मैंने साफ़ कर लिया है अभी इसकी बेड शीट चेंज करनी है वो मैं करूँगी बकाया जो एक सफाई वाला काम था वो ख़त्म हो गया लाइक जो एक जनरल सफाई होनी थी घर की वो हो गई है रमज़ान की जो एक क्लीनिंग होनी थी इन दो कमरों की वो हो गई है गला मेरा ऑलरेडी काफ़ी ख़राब था लेकिन डस्ट बहुत ज़्यादा अंदर गई है हालांकि मैंने दो दो मास्क पहने हुए थे फुली कवर्ड किया हुआ उसको लेकिन इतनी मिट्टी जब होती है तो आपके अंदर वो जाती ही जाती है तो इसके लिए भी मैंने चाय पत्ती के अंदर काली मिर्च डालकर उसका एक अहवा बनाया है एक लौंग डालकर इसको मैं पीऊँगी इससे ये होगा कि जो भी डस्ट होगी वो चेस्ट पर नहीं रहेगी या उसकी इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी गला ख़राब है तो मेरी कोशिश ये है कि अब मैं बीमार ना पड़ूं क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि मेरी टेक केयर करेगा तो ये आप देख सकते हैं नीचे ढेर सारी काली मिर्च है पीने में इसका ज़ायका इतना अच्छा नहीं होता लेकिन इसको पीने के बाद आपको बहुत लाइट फील होता है बहुत रिलैक्सिंग फ़ील होता है और जो भी बलगम या रेशा होता है वो निकल आता है बाहर तो चले जी इस ब्लॉग को मैं इस कहवे के साथ एंड कर देती हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करना मत भूलिएगा आई एल सी इटमोरो गाइज टेक केयर अल्लाह हाफिज़ स्टे ब्लेस स्टे हेल्दी स्टे पॉजिटिव